ये एहसास हुआ कि हम लोग इस अस्पताल में रहकर ओपीडी में रहकर पूरे कम्युनिटी को और पूरे समाज को का हर पहलू नहीं देख पाते। दरअसल बोलने से ज्यादा तो आज मुझे सुनने की यहाँ पे सुनना अच्छा लग रहा है और सुनने की आवश्यकता है और मैं अभी और सुन के बहुत लाभान्वित होऊंगा। आप जितने छात्र छात्रा हैं आप सबों को मेरा हृदय से प्रणाम। अगली समन्वयिका मैडम प्रोफेसर चंपा सिंह मैडम आपको भी प्रणाम। तो मैं जैसा सर ने कहा कि ये जो हमारा क्षेत्र है ये भोजपुरी बोलने वाली जो ये जो मिट्टी है यहाँ शुरू से ही आप देखें तो ज्ञानी और गरीब, और ज्ञानी गरीब भी होता है, वो भी आपस में जो है उनका भी एक संबंध है। तो गौतम राम तो खैर अवधि के हो गए, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां शुरू से ही जो है वो रही हैं। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि यहाँ पे ज्ञानी बहुत है, और ज्ञानी है और गरीब भी है। अब इस गरीबी में आज की जो चिकित्सा शैली हमारी जो पद्धति थी वो आयुर्वेदिक पद्धति हुआ करती थी हमारे देश की, और उसमें हम लोग जो है वो बीमारियों को, जैसे बीमारियों को बचाना जो है उसका सबसे अच्छा इलाज है। और एक बार कवि सम्मेलन में मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि कवि तीन तरह के होते हैं, कच्चे, बच्चे और सच्चे। और आज मुझे लगता है कि डॉक्टर भी तीन तरह के होते हैं, कच्चे, बच्चे और सच्चे। कच्चे डॉक्टर वो जो बीमारी जब अच्छी खासी हो जाए तो उसे पहचान के उसका इलाज करें, बच्चे वो जो बीमारी को बहुत शुरू ही पकड़ लें, और सच्चे वो जो बीमारी होने ही ना दें। तो निश्चित रूप से सर ने जैसा कहा कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि अगर हमारे इस भोजपुरी बेल्ट जो है यहाँ के लोग अगर इतने ज्यादा, और सही बात है कि आज की जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, या उसमें रेफरल्स इतने होते हैं, हमें कुछ लीगल भी ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से एक डॉक्टर अपने आप को बचाए रखने के लिए क्रॉस कंसल्टेशन लेता है, शुगर आ गया तो डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। आप सभी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उन सबकी सरकारी अस्पताल या सरकारी नौकरियां बहुत नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट हैंड्स में ही चीजें जो हैं। तो एक आम आदमी के लिए इतना महंगा हो जाता है कि मल्टी स्पेशलिटी रेफरल और ये सारी चीजें, कि निश्चित रूप से बचाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो धीरे धीरे कच्चे, बच्चे और सच्चे डॉक्टर बनने की कोशिश हम सभी, मैं भी एक छात्री हूँ और आजीवन छात्र रहना पसंद करूंगा। सर ने हालांकि बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं अभी सीख ही रहा हूँ और आपसे भी सीख रहा हूँ, संगीतकारों से भी सीखता हूँ, सबसे सीखता रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके। इसके तो अब अपनी बात को थोड़ा सा और कहकर मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न पूछिए, क्योंकि यहाँ पे श्रोता बहुत नहीं है, हो सकता है कि सबके अपने अपने कुछ सवाल हो तो हम सबसे बातचीत कर लेंगे। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बीमारियां जो हमारी वो दो तरह की होती हैं। अगर समझने की बात करें तो बीमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। चूंकि मैं मेडिसिन से हूं तो मैं थोड़ा एक जनरल, एक मतलब एक सामान्य तौर पे डिस्कशन करूं आपसे, मैं वार्तालाप करूंगा। संक्रामक बीमारियां वो है जो एक दूसरे को फैल सकती हैं, जितने भी इन्फेक्शन है वो एक दूसरे हाथ के छूने से, हाथ की गंदगी से, इन सब को आप जानते हैं। असंक्रामक वो है जो नहीं होगी। तो असंक्रामक बीमारियों के बारे में आपसे केवल ये कहना चाहूंगा मैं, जैसे उदाहरण है उसका मधुमेह, ये सब बातें आप जानते हैं। जो बात मुझे कहनी है ये है कि मधुमेह के बहुत सारे मरीज हैं, आज लगभग 16-17% हमारी इस जगह पे मधुमेह की जो है वो इतने अपनी आबादी का 16% जो है वो मधुमेह के मरीज हैं। अब इनमें होता क्या है कि जैसे शुगर की जाँच करा के आए, तो जिस दिन शुगर की जाँच कराया उस दिन उन्होंने दवाई नहीं खाई, तो दवाई नहीं खाई तो शुगर 60-70-80-100 तक बढ़ा हुआ है, जैसी दवा खा रहे थे उसके अनुसार। डॉक्टर ने देखा कि इनको 1 मिलीग्राम की दवा चल रही थी, उसको हमने 1.5 कर दिया, फिर अगली बार वो जांच नहीं कराया, हमने 2 कर दिया। अब एक दिन शुगर बहुत घट जाता है, और यही बात, ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बात जितने भी असंक्रामक बीमारियां हैं उन सबके लिए सच है। जैसे कि बीपी जिस दिन नपाने जाए उस दिन दवा खा के जाए, ताकि आपकी दवा अनायास न बढ़ जाए। दूसरा ये कि थायराइड की बीमारी, उसमें भी लगभग 2 हफ्ते तक थायराइड की दवा खा के जांच कराएं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं असंक्रामक जो बीमारियां हैं, उनको समझने की बात यह है कि वो 10-20 दिन की दवा खाने से ठीक नहीं होंगी, और 10-20 दिन में होती भी नहीं है। उनके लिए हमें बहुत ज्यादा लापरवाही करनी होती है, और बहुत ज्यादा जीवन शैली से छेड़छाड़ करना होता है, बहुत आदतें खराब करनी होती हैं, तब जाके वो होती हैं। और जब वो हो जाती हैं तो वो बहुत कम ऐसी स्थिति है जहां ठीक हो पाती है। इसके विपरीत जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत घंटों से लेके और कुछ महीनों में, जैसे टीबी है वो 3 महीने में होती है, उसके अलावा जो बीमारियां हैं
वो एक दिन दो दिन में भी हो सकती है, मलेरिया है, डेंगू है, और वो जड़ से ठीक हो सकती है। अब जो अब मौसम की बात अगर हम करते हैं, ऋतुओं की बात करते हैं, तो हम इसे ऋतुराज बसंत है ये। तो ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, और अगर राजा के साथ हम सतर्क रूप से बर्ताव रख रहे हैं तो चाहे राजा मौसम का हो या किसी भी क्षेत्र का, वो हमें दंडित करेगा। तो इस बसंत की ऋतु में कुछ सावधानियां हैं। बसंत का मतलब भारत में विश्व में चार ऋतु हैं, भारत में दो ऋतुएं अलग से हैं, और इसलिए क्योंकि हम हमारा जो उत्तरायण दक्षिणायन है और हमारी जो भारत की जो स्थिति है वो ऐसी है नॉर्थ ईस्ट में, या हम ईशान कोण की पृथ्वी के पड़ते हैं, तो इसकी वजह से दो ऋतुएं हमारी और बढ़ जाती है, जिसमें एक जो है वो हमारा वो होता है हेमंत है, और संभवतः जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद एक शरद हो, ऐसा ही कुछ, बाकी हर जगह पे जो है वो ग्रीष्म और ये शिशिर और वसंत वसंत बाकी जगहों पे भी होता है। खैर जो भी हो, तो हमारी ऋतुएं ज्यादा हैं और ऋतुओं के मुताबिक हमारे जो है वो खान पान कपड़े और जीवाणु विषाणु जो पनपते हैं उनमें भी फर्क होता रहता है। अब ऋतुराज की बात करें वापस आए वहां, तो ये है कि ये एक ऐसा मौसम है जो कि शिशिर और ग्रीष्म का संधि है ना, और बहुत अच्छी बात है कि मौसम है, क्योंकि जितनी ठंड पड़ रही थी अगर उसके बाद 10-20 दिन के अंदर गर्मी पड़ने लगे तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत लोग बीमार पड़ जाएंगे, कई लोग शायद इस तरह से भी बीमार पड़ जाएंगे कि उनकी जीवन शैली या उनकी उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो ये दो महीने का जो काल है बसंत पंचमी से संभवतः शुरू होता है और शुरू हो चुका है, देखिए मौसम बदल रहा है, और आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया हम लोगों के लिए, आज मेरा बसंत तो आज यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगती है, धीरे धीरे गर्मी पड़ती है, और हमने जाड़े में जो अपनी शारीरिक रूप से जो निष्क्रिय 2-3 महीने रह के जो हमने फैट या कोलेस्ट्रॉल या जो भी कह लीजिए जमा किया था शरीर में, अब उसके निकलने की बारी आती है, अब उसके चलने की बारी आती है। तो आप देखेंगे मार्च के महीने में हार्ट अटैक की बीमारियां, हार्ट अटैक मतलब कहीं कोई क्लॉट जमा है जो कि वहां से डिसलॉज हुआ, वहां से टूटा और किसी दूसरी पतली धमनी में मोटी धमनी से टूटा, और जो एंड पोर्शन है जो उसके आखिरी पोर्शन है धमनियों का जो पतला वहां जाके उसने ब्लॉक किया, तो पक्षाघात या हृदय का जो हृदय का आघात आया हार्ट अटैक, ये सब चीजें आप देखेंगे मार्च महीने में जब मौसम खुलने लगता है तो अधिक होती है, विशेष तौर पर उनको जिन्होंने जाड़े को खूब खाया है और आराम किया है या अपना वजन बढ़ाया है। तो यही नहीं जो संक्रामक बीमारियां उनके लिए भी मौसम बहुत उपयुक्त होता है, और सबसे ज्यादा इसमें जो विषाणु जनित या वायरल इन्फेक्शन है नजले जुकाम से लेके और कई सारे, यहां तक कि हेपेटाइटिस इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए है ये सब भी, और इसमें देखिए फिर एक वो कच्चे और बच्चे डॉक्टर वाली जो बात करें तो उसमें मैंने अपने गुरुओं से एक चीज सीखी कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं वो जो है शुरुआत में जुकाम के रूप में, ज्यादातर जुकाम के रूप में होते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस ए भी होगा जो कि आगे चल के लिवर को है ना वो लिवर को अफेक्ट लिवर को लिवर पे अपनी बीमारी का प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन वो भी प्रोड्रोमल फेज हम कहते हैं उसका, मतलब तो शुरुआत की जो एक अवस्था उसकी 2-3 दिन की होती है उसमें भी जुकाम ही ऐसा होता है। तो आज का जितना भी जुकाम है उसमें हो सकता है 90% जुकाम ही रह जाए और हफ्ते भर में ठीक हो जाए, लेकिन उनमें से 10% ऐसे जुकाम होंगे जो आगे चल के अन्य अन्य बीमारियों में अलग हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने पैरासिटामोल खानी है, हमने सुबह दोपहर शाम लिख दिया, और किसी को हमने लिख दिया आवश्यकता अनुसार जब बुखार आए तो SOS ले लीजिए, दोनों में बड़ा फर्क होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का जो मरीज होगा या हेपेटाइटिस ई का जो मरीज होगा वो अगर 7 दिन तक पैरासिटामोल को 3 बार खाता रहा तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति उस मरीज से खराब होगी जो कि 1 ही बार खा रहा है। तो इस तरह की बातें हैं दवाओं के बारे में जो आपको भी समझनी चाहिए कि हमें दवाओं की जरूरत हो तभी हम लें, या डॉक्टर ने जब हमें जितना बताया उतना ही लें, है ना, सेल्फ मेडिकेशन खुद से करना 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर 3रे दिन भी वही दिक्कत हो तो 4थे दिन अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब जो बीमारियां इस मौसम में इसके अलावा ज्यादा होती हैं उनमें एलर्जी है, क्योंकि फूल पुष्पित होते हैं और उनके पराग जो है परागण होता है, और मौसम भी थोड़ा गर्म होता है तो पराग उड़ते भी हैं, तापमान हवा थोड़ी हल्की होती है और जो कोहरा कम होता है तो पराग उड़ते हैं, तो हमें एलर्जी होती है। अक्सर लोगों को मौसम के बदलते समय बहुत ज्यादा एलर्जी, छींक, नचले, ये सब होते हैं जुकाम। एलर्जी का एक ज्यादा गंभीर रूप है अस्थमा, दमा, जो इस मौसम में होता है, बहुत लोगों को एलर्जी वाला दमा जो है इस मौसम में ज्यादा होता है। इसके अलावा सरदर्द या माइग्रेन की जितने मरीज हैं उनको जरूर, क्योंकि रोशनी पड़ती है तो माइग्रेन की बीमारी जो है वो इस समय
वो भी जिनको 6 महीने से भी नहीं हुई है उनको भी इस मौसम में एक दो बार हो सकती है। इसके अलावा जो है विटामिन डी की कमी जो है, चूंकि बहुत लंबी सर्दी बीती होती है और विटामिन डी अल्ट्रावायलेट लाइट से जो सूरज के रोशनी में यूवी किरणें होती हैं उनसे बनता है, तो चूंकि इतना लंबा हम वो बिता के आए होते हैं, जैसे शिशिर की शुरुआत और शिशिर का अंत, तो निश्चित रूप से शिशिर के अंत पे विटामिन डी की कमी सबसे ज्यादा होगी। तो उससे मिलती जुलती जो बीमारियां हैं, बदन में दर्द होना, डिप्रेशन होना, कैल्शियम बहुत कम होना, कैल्शियम बहुत कम है तो कभी कभी दौरे पड़ जाना जो मिर्गी के दौरे जैसा ही होता है, हाथ पैर में अकड़न होना, ऐठन होना, ये सब चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात को इससे ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए और इतने पे मैं रुकता हूँ, ये इस आशा के साथ कि आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे और आपसे भी कुछ सीखूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब देकर शायद हम और ज्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे के नजदीक आ सकेंगे। आप सबों को यहाँ होने के लिए बहुत बहुत बधाई, आपके संगीत के लिए बहुत बहुत बधाई और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, और आप सबके हमारे सीनियर और हमारे कलीग आपके आपका सानिध्य पाने के लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।